بسم الله الرحمن الرحيم यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी जिंदगी की तमाम तरह खुशियां खूब एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले शादी की तरफ से, मेरी तरफ से और आसिफ भाई की तरफ से आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है ना, पहला दिन कैसा गुजरा ये आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देख सकेंगे। बड़े ही खराब दिन मेरा गुजरा, सस्पेंस रहेगा। मैं किसी काम में फंस गया था, वो किस काम में, शादी हंसना भी नहीं तो दसना भी नहीं, ठीक है। मैं एक शर्त मनवाना, या दसांगे नहीं तो या हंसांगे नहीं, ना हंसना है ना दसना है। ते शाजी आपकी ईद कैसी गुजरी कल, यहाँ प्रदेश की ईद के बारे में बताएं। भाई हम तो यहाँ पे 5-6 घर हैं, जबरदस्त गुजरी। और आपके जी आसिफ भाई, भाई हम उनके साथ ही हैं, हमारे बड़े हैं, जहाँ पे ये होंगे हम पीछे पीछे होंगे। एक आप हैं जो पैसों के सिवा उनको कुछ दिखता नहीं है, फंस गया था मैं, वो आ जाते हैं, एंजॉय कर रहे थे, पैसे जब कमाओ नहीं एंजॉय ही कर रहे हैं, इसीलिए वो अब मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा ना कि मैं पैसों के पीछे कितना भाग रहा हूँ और कितना कमाया। मेरे से ना लोग पूछते हैं कि यार आप यहाँ पे कैसे आए, आपने वीज़ा कैसे लगवाया। मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया था कि मैं यहाँ का बाहर हूँ और मेरे पास ऑलरेडी यानी पासपोर्ट है, लेकिन लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आप वीज़े का कोई प्रोसेस बताएं। अच्छा, अब आप इस बारे में क्या कहेंगे, ये कोई गल्फ जोन तो है नहीं कि यहाँ पे कोई वर्क परमिट निकल है, वर्क वीज़ा निकल, वर्क वीज़ा यहाँ पे कोई नहीं। वर्क वीज़ा यहाँ पे जो है ना वो हाई रैंकिंग के लिए होते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है,
या कोई बहुत ही बड़ा जो है ना आईटी का एक्सपर्ट है, साइबर सिक्योरिटी वाले, ऐसे कुछ ही चल सकती है। इंजीनियर वगैरह है? नहीं, इंजीनियर भी ज़्यादातर वो ऐसा नहीं, छोटे मोटे काम के लिए कोई वीज़ा नहीं है। हाँ, वीज़ा प्रोसेस जिसको अपने लक पे यकीन है वो वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं, अप्लाई कर ले। आप एम्बेसी विजिट करें, एम्बेसी की वेबसाइट विजिट करें, उसके मुताबिक आप जो जो प्रोसेस है वो करें। नवंबर में तो जो है ना वो किस्मत हुई, किस्मत हुई तो वीज़ा लग जाएगा, किस्मत ना हुई तो एक वक्त कि मैं आना चाहता था मेरे का। सही, यकीन करो कि मेरा वीज़ा नहीं लगा। सही, और जब नहीं आना चाहता था तब पूरी फैमिली इकट्ठी प्रोटोकॉल के साथ आ गई। सही, किस्मत की बात है। आसिफ भाई आप क्या कहना है, आप क्या कह रहे थे? बस यार यही एक्चुअल जो हकीकतें होती हैं उन्होंने बता दी, अब मैं क्या बताऊं। नहीं, आप लॉटरी की कोई बात कर रहे थे। तो ये नवंबर में इनकी जो डीवी लॉटरी है, डाइवर्शन लॉटरीज होती है, क्या होती है डाइवर्शन वीजा लॉटरीज, उसमें चांस, उसमें लोग कैसे चांस लें, क्या यार इनकी साइट में होता है, वहाँ पे अप्लाई करना होता है। वो खुद अप्लाई तो हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए वो कर लेते हैं लायर से बात, अगर जिसने अच्छी तरीके से करवाना है, अगर है लेकिन वो खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन बात चीज़ें रह जाती है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं एक्सपर्ट होते हैं, हर चीज़ का अपना तकरीबन जैसे बता रहे हैं, उस पर थोड़ा वो लायर के साथ करें बात तो इम्कान है कि उसमें वीजा निकले। अगर मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं तो रब्ता करें मुझसे, मैं किससे मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब है मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूं? हाँ, दे दो नंबर, दे दो। फिर आप सो नहीं सकेंगे, फोन पे फोन आने नहीं, मैं सबका अप्लाई करूंगा। हाँ, ये है कि ये नहीं कि मुफ्त होगा, पैसों का होगा, लेकिन पैसे जो है ना वो ऐसे होंगे कि पैसे खाए नहीं जाएंगे। सही, काम नहीं होता तो पैसे वापस। चलें जी, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा और आप इनसे रابطہ कीजिएगा। ठीक हो गया, वैसे ही चलता है। जो वीज़ा जो है ना वो ये नहीं कि किसी के पैसे खाए जाएंगे, या ये भी नहीं कि किसी के पैसे डूबेंगे। सही, और ये भी नहीं है कि अगर उसका काम होता है और प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के कुछ पैसे होंगे बहुत कम, लेकिन अगर काम होता है तो फिर काम के पैसे अलग होंगे। जाहिर बात है, वो तो फिर जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करनी पड़ेगी। सही, ठीक हो गया। चलें जी, आप लोगों का ये मसला तो हल हुआ, पर मैं नंबर दे दूंगा, आप लोग शाह भाई से रابطہ कीजिएगा, जो जो ये आपसे कहें बात अगर आपकी समझ में आए आप अमल कीजिएगा, अदरवाइज वरना नहीं। बिल्कुल, क्या क्या कहते हैं शाह जी, सब कुछ ठीक कर देगा। आए शाह जी हैं। चलें तो शाह जी, अगर ईद के हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहें। ईद का हवाले से तो यही पैगाम है कि मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स का इंतजार कर रहे हैं लोग। आए, आप भी बना रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, तुम्हारे मुकाबले में आ रहा हूँ ना इसलिए। क्या बात है, ले जी आप लोग शाह जी के ब्लॉग का भी इंतजार करें, बहुत जल्द ये बनाने वाले हैं। आसिफ भाई, वैसे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आसिफ भाई को भी अपने एक चैनल बनाना चाहिए, मेरा आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप दोनों का चैनल मेरा ही तो चैनल है। नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए, छोड़े कैमरे में आना है ना यार। अच्छा, व्यूअर्स को खूब मिलना है ना। सही, तो आपके तरीके से मिल लेते हैं भी क्या? नहीं, वैसे व्यूअर्स की ख्वाहिश है कि आप भी चैनल बनाए, तो सोचे इस बारे में? सोचा हुआ है, बताना नहीं है। चलो, सरप्राइज चलें जी, अगले ब्लॉग में भी आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, ये मैं कोशिश करूंगा कि आज जुमे का दिन है, आज रात तक ये व्लॉग मैं अपलोड कर दूं। तो अगला व्लॉग जो है वो बहुत ही मज़े का होने वाला है, तो आप लाजमी देखिएगा। तो ईद तो यहाँ पे मेरी तो इसी तरह ही गुजरी है, ये इनकी माशाल्लाह यहाँ पे फैमिलियाँ हैं, ये आए गए हैं, मैं कहीं नहीं आया गया। बकवास, और मैं एक जगह पे गया था, वो कहाँ गया था वो कल बताऊँगा आपको, अगले व्लॉग में आप देखेंगे। क्यों शादी, अभी सरप्राइज रखना। शाह जी, लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या काम करते हैं, मैं ये बता तो भाई नहीं बता सकता कि मैं यहाँ पे, एक तो मैं जॉब करता हूँ, दूसरा आप ये समझ लें कि एक छोटा मोटा मेरा यानी अपना साइड बिजनेस है। जॉब मैं क्या करता हूँ वो मैंने पहले बताया हुआ है। खैर, और शाह जी क्या करते हैं ये शाह जी से पूछते हैं। शाह जी, आप समझ लें कि ऑलराउंडर हैं। शाह जी, आप ऐसे क्या क्या करते हैं? देखो, ये पूछने क्या नहीं करते। अच्छा जी, शाह जी आप क्या नहीं करते? हर वो हराम काम मैं नहीं करता, माशाल्लाह, दूसरे सारे कुछ करता हूँ, सारा कुछ करते हैं। अच्छा, जो है यहाँ पे जो है ना, जिसके पास हुनर है वो कामयाब है, जिसके पास हुनर नहीं है वो मजदूर रहेगा।
सही बात, जो प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिशियन का काम जानता है, कोई आईटी का है, कोई जो है फाइनेंस में अकाउंटेंट, ये लोग जो है बहुत आगे जा सकते हैं। सही। और जो दूसरे हैं मजदूर, तो मजदूरी होता है, फिर हर जगह भी मजदूर होता है वो। बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो है ना, यहाँ पे ऑटो मैकेनिक का बहुत काम है, पेंटिंग का बहुत काम है, अगर कोई गाड़ी का पेंटिंग जानता है वो बहुत कामयाब है। नहीं शाह जी, ये हमारी ये वीडियो देख के इंशाल्लाह बहुत सारे लोग अब आपसे रब्ता करेंगे, और मैं एक चीज़ की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि शाह जी जो हैं वो इंशाल्लाह हराम का पैसा बिल्कुल आपसे नहीं लेंगे। जो पैसे होंगे वो जेन्युइन होंगे। जब इन्होंने अपनी मजदूरी लेनी होगी ना आपके काम हो जाने के बाद, वो ये आपको बता के लेंगे कि भाई मैंने इतने पैसे अब ये लेने हैं, और वो आप लोगों का फिर फर्ज बनता होगा कि आप लोग इन्हें दें। शाह जी बिल्कुल, मैं सिर्फ आपको ये गारंटी दूंगा कि शाह जी की तरफ से आपको कभी भी कोई गलत इंफॉर्मेशन, कोई गलत बात, कोई गलत मैसेज या जानबूझ के एक्स्ट्रा पैसे आप लोगों से बिल्कुल ये नहीं लेंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। बाकी आप शाह जी से बात करें, क्या प्रोसीजर है, हर बंदे का उसके काम की नौइयत के हवाले से, हर लिहाज से जो है वो अलग केस होता है, ठीक है। अब हर एक का प्रोसेस जो है वो अलग होगा, ठीक है। तो भाइयों, मेरी तो ये, मुझे तो खुशी होगी कि अगर हमारी वजह से किसी का कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा ना आपको कि किस्मत की बातें होती है, मैं नहीं आना चाहता था। एक वक्त था कि मैं पागल था बाहर जाने के लिए, लाहौर में रहते थे, और 96 की बात यार, मैंने जापान जाना है, मैंने अमेरिका जाना है, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ का सोच के ना, वो बस पढ़ाई भी गई, सही। काम भी गया कि मैंने बाहर जाना है। सही। बाहर तो आ नहीं सके। और देखें, लोग आने के लिए तरस रहे हैं। मुझे कई भाइयों के मैसेज आए हैं कि भाई मुझे, मेरे से 50 लाख ले लो, मेरे से 1 करोड़ ले लो, हमें वीज़ा दिलवा दो। अब पहली बात, मैं तो यानी वीज़ा नहीं दे सकता, ठीक है, कोई भी नहीं दे सकता वीज़ा, कोई भी नहीं दे सकता आपको, वो थ्रू प्रॉपर चैनल ही चलना पड़ता है, ठीक है। अब मेरी तरफ देखें कि लोग आने के लिए तरस रहे हैं, पैसे भी खर्च करना चाह रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ किस्मत की। तो मेरे पास यानी जब मैं पैदा हुआ था, मेरे पास पासपोर्ट आ गया था, मैं किसी भी वक्त आऊँ किसी भी वक्त जाऊँ मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं कब आया, मैं 35 साल की उम्र में यहाँ पे आया। तो ये किस्मत की बात होती है, जहाँ पे जितना जिसका रिस्क लिखा है वो उसे वहीं पे मिलके रहना, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें। सही बात है, बस असली। और लोग मुझे कहते थे तुम आए नहीं इतना अरसा कहाँ रहे, तो भाई किस्मत में मेरे नहीं था यहाँ आना। जब किस्मत में था, जब मेरा दाना पानी यहाँ लिखा था, मैं आ गया। बिल्कुल। तो और यहाँ पे ये नहीं कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो दरख्तों में पैसे लगे हुए हैं। बिल्कुल। और डॉलर कमाना आसान है यहाँ पे। आसिफ भाई ठहर जाओ एक मिनट, अगर मजबूरी है तो फिर चले जाएंगे। चलो ठीक है। यहाँ पर जो है पैसे, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। नहीं जरूरी नहीं थे, बहुत ज्यादा काम करना। और यहाँ पे आप, ये ईद का मौका है, ठीक है। और मैंने कल 2-4 दोस्तों को फोन किया, मैंने कहा कि यार कहाँ पे हो मुलाकात के, तो ओ जी हम तो जाप पे हैं। छुट्टी यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे छुट्टी सिर्फ वही कर सकता है जिसका अपना काम है, अपना बिजनेस है, ठीक है। अदरवाइज कई लोगों को तो यहाँ पे जॉब की वजह से ईद की नमाज पढ़ना भी नसीब नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। मैंने फोन किया मैं दोस्तों को, जी हम जॉब पे हैं, जी हम जॉब पे हैं, तो इस वजह से फिर मैं किसी की तरफ जा भी नहीं सका। शाह जी की तरफ जाना था, वो बस हल्की सी मुलाकात हुई इनसे, क्योंकि मैं, वो सरप्राइज है, नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं ईद वाले दिन क्या यहाँ पे करता रहा और किन टेंशनों में फंसा रहा। बहरहाल, तो ये छोटी सी चीजें हैं, बड़ी बड़ी तो इंशाल्लाह शाह भाई आपकी पूरी हेल्प करेंगे, मैं भी पूरी हेल्प करूँगा, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। आप मेरे से पूछें, शाह जी से पूछें, मेरा और शाह जी का यहाँ पे रिश्ता ऐसे ही आप समझें कि हम 24 घंटे एक साथ ही हैं। मैं जो भी करता हूँ, जो भी यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम होता है, शाह जी हर मसले में मेरी हेल्प करते हैं, और इन्हीं के साथ मैं हर बात शेयर करता हूँ और किसी से शेयर नहीं करता। तो आप लोग भी शेयर करें इंशाल्लाह, जहाँ तक हुई आप लोगों की हेल्प करेंगे। इसके अलावा वीज़े के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रही,
हम यहाँ पे आपको जो है वो बताते रहेंगे। ये मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई आपको कहता है कि मैं अमेरिका का वीजा लगवा दूंगा इतने पैसे मुझे दे दो, बकवास, वो झूठ है। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास या किसी भी एजेंट के पास मत फंसिएगा। इस तरह थर्ड पार्टी कोई भी बंदा आपका वीज़ा नहीं लगवा सकता, आपको खुद ही सब कुछ प्रोसेस करना होता है। हाँ, वकील की आप हेल्प ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि डॉक्यूमेंट्स मुझे पता है कैसे फिल होते हैं। सही, तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई अपना लक आजमाना चाहता है, सही, वो आजमाएंगे बिल्कुल। सही, उसमें उनका खर्चा कोई नहीं आएगा इतना ज़्यादा। बिल्कुल, अगर आप देखें ना जी, जेन्युइन जो यानी वीज़ा प्रोसेस है ना, उसकी फीसें वगैरह सारी और टिकटें वगैरह मिला के मेरा ख्याल मैक्सिमम आपका 5 लाख रुपया भी नहीं लगेगा। लेकिन जो ट्रैवल एजेंट हैं या दूसरे एजेंट हैं, वो आपसे 20-30 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। भाइयों, इतना पैसा ज़ाया मत करना, एक थ्रू प्रॉपर चैनल आप चलें और जो प्रोसेस आपको बताया जाएगा उसके मुताबिक चलें। आप 4-5 लाख रुपए में जो है वो यहाँ अमेरिका आ सकते हैं, अगर आपकी किस्मत में है तो। तो शाह जी, मेरा ख्याल ये हमारी बातचीत काफ़ी लंबी हो गई है, ये ना हो कि लोग बोर हो रहे हों, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाइयों, आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे तकरीबन 12 घंटे का फ़र्क है टाइम का, पाकिस्तान का और यहाँ का। जब वहाँ पे दिन होती है यहाँ पे रात होती है, और यहाँ पे रात है तो वहाँ पे दिन है। अगर तो एक बज रहे हैं यहाँ पे तो वहाँ पे दिन के। बिल्कुल, तो आप काइंडली सिर्फ टाइम का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने भी काम होते हैं और हर वक्त फ़ोन नहीं सुना जा सकता। तो ऐसा ना हो कि शाह जी जो है वो अपना फ़ोन ही बंद कर दें। आप टाइम का काइंडली ख्याल रखिएगा, और अगर आप फ़ोन करते हैं शाह जी अटेंड नहीं कर पाते तो आप जो है एक मैसेज छोड़ दें, शाह जी आपसे बाद में रابطہ कर लेंगे। मेरे साथ भी अगर आपने रابطہ करना है, मैं नहीं अटेंड कर पा रहा, आप मैसेज छोड़ दें, आपसे इंशाल्लाह ज़रूर रابطہ होगा। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मेरा रابطہ हुआ है, बातचीत हुई है, अभी तक उनसे बात हो रही है, तो इंशाल्लाह आपसे रابطہ ज़रूर होगा। आप बस मैसेज छोड़ दीजिएगा, और बेहतर होगा कि पहले आप एक मैसेज कर दें कि हम इस रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो शाह जी या मैं फिर आपसे रابطہ कर लेंगे। तो इस चीज़ का काइंडली ज़रूर ख्याल रखिएगा। जी, आज ईद का दूसरा दिन है, रिजवान भाई से मैं मिलने आया हूँ। इनसे आपके पहले भी मेरे एक व्लॉग में मुलाकात हो चुकी है जी। तो रिजवान भाई, आप बल्कि सबसे पहले रिजवान भाई की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो रिजवान भाई, आपकी ईद कैसी गुजरी है? पहला दिन, दूसरा दिन? पहला दिन जो था ईद पड़ी थी। अच्छा, तो उसके बाद हम सीधा इधर आ गए थे। अच्छा, आजकल एम्प्लॉइज की शॉर्टेज है। अच्छा, खुद ही काम कर रहे हैं क्या? और जो दूसरा दिन था, वो जो आज दूसरा दिन था, तो आज भी सुबह से इधर ही। क्या बात है, ना सो रहे जी। आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह से इस स्टोर के गैस स्टेशन के मालिक हैं, और ईद के दोनों दिन इनके यहाँ पे गुजरे हैं। और हमारा करण है, करण इधर आओ। और ये जी करण भाई हैं, वो थल्ले बोतलां भी पई हैं। ये हमारे करण भाई हैं, ये 24/7 जो है ना चल रहे हैं। अच्छा, काम काम काम, बस बस काम। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं, जो लोग इस वक्त यूएसए में मौजूद हैं, सैक्रामेंटो में ख़ास तौर पे, उनके लिए ये है कि रिजवान भाई को यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो वो मेरे से रابطہ करें। अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है तो वो यहाँ स्टोर पे जॉब कर सकता है, मेरे से रابطہ करें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो सबके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोग ज़रूर मुझसे रابطہ कीजिएगा। अभी हमने मंगवा लिया पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा काफ़ी लेट आया, तकरीबन मेरा ख्याल कुछ 1.25 घंटे के बाद आया। तो अभी हम तो खाएंगे पिज़्ज़ा, यहाँ ये दिखाता हूँ जी, हम अभी खाएंगे पिज़्ज़ा और ईद का दूसरा दिन जो है वो इंजॉय करेंगे। दोस्तों, अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ, और अब मैं वीडियो करने लगा हूँ एडिट, ये आपको दिखाता हूँ। ये मैं वीडियो एडिट करने लगा हूँ, और जो है फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आप मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, पूरा देखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा।
और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो वीज़ा इंफॉर्मेशन के हवाले से पूछ रहे थे उनको इंफॉर्मेशन दी, और मज़ीद भी आगे इंशाल्लाह जहाँ तक हुआ हेल्प ज़रूर करेंगे आप सब की। और मुझे नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दें इजाज़त, अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।